नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं कॉस्मिक गोस्ट राइडर का सेकंड इशू। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फ्रैंक कैसल कहीं पर काम करके अपनी लाइफ अच्छे से बिता रहा है, तो वही दूसरी ओर कॉस्मिक गोस्ट राइडर लोगों को मारते जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है ये हमें आगे पता चल जाएगा, तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो कहानी की शुरुआत में हम गैलेक्सी के एंड का प्लैनेट देखते हैं, जहां पर दो एलियंस एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एक एलियन दूसरे से कहता है कि हम लेट हो चुके हैं, लेकिन तभी वहां पर गोल्डन कलर का फैल्कन आ जाता है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो फैल्कन आके एक आदमी के हाथ पर बैठ जाता है। तभी वो आदमी उस फैल्कन से कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आदमी कौन है, तो वेल ये दरअसल में बाउंटी हंटर है और उसे यहाँ पर किसी ने बुलाया है। तभी वो आदमी देखता है कि उसके सामने एक मिस्टीरियस औरत खड़ी थी। तभी वो आदमी उस औरत से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस पर वो औरत उस आदमी से कहती है कि मैंने सुना है तुम जो काम हाथ में लेते हो वो पूरा करते हो। और तब हमें पता चलता है कि उस आदमी का नाम मोना स्टार स्टॉकर है। तभी वो औरत जिसने मोना को बुलाया था वो दरअसल में शायर एम्पायर की एम्बेसडर है, जो खास मोना को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि मोना को उसी एम्बेसडर की बाउंटी मिली है, और इसीलिए मोना अपनी गन निकालता है और एम्बेसडर से कहता है कि क्लाइंट तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। तभी वो एम्बेसडर अपने पास से एक डिवाइस निकालती है और मोना से कहती है कि कहीं तुम इस क्लाइंट की बात कर रहे हो। ये कहते ही एम्बेसडर वो डिवाइस डीएक्टिवेट कर देती है, और जैसे ही वो डिवाइस डीएक्टिवेट हो जाता है फैल्कन मोना को बताता है कि बाउंटी खत्म हो चुकी है। तब ये देखकर मोना समझ जाता है कि एम्बेसडर ने जानबूझकर खुद पर बाउंटी लगाई थी, और वो इसके लिए एम्बेसडर से सवाल करने लगता है। तभी मोना एम्बेसडर से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एम्बेसडर कहती है कि वो इसलिए ताकि मुझे तुम्हें ढूंढना ना पड़े। जिस पर मोना एम्बेसडर से कहता है कि तुमने यहाँ मुझे बुलाकर मेरा टाइम बर्बाद किया। जिस पर एम्बेसडर मोना से कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम बहुत बड़ी डील गवा दोगे जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, और वो डील है कॉस्मिक गोस्ट राइडर को पकड़ने की। ये सुनते ही मोना रुक जाता है और एम्बेसडर से पूछता है कि तुमने खुद पर बाउंटी लगाई मुझे यहाँ लाने के लिए ताकि मैं कॉस्मिक गोस्ट राइडर को मार डालूं। जिस पर एम्बेसडर कहती है कि नहीं, तुम कॉस्मिक गोस्ट राइडर को मारोगे नहीं बल्कि उसे पकड़ कर लाओगे। तभी वो फैल्कन मोनाक से कहता है कि कॉस्मिक गोस्ट राइडर गैलेक्टस का हेराल्ड है, जिसमें कॉस्मिक पावर है, और उसके पास चेन्स होती है जो सिटरक के बोन से बनी है, और वो पूरे गैलेक्सी में घूमता है सजा देने के लिए। तभी ये सुनने के बाद मोनाक एम्बेसडर से कहता है कि इंपीरियल गार्ड्स को भेज दो, ये काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन तभी शायर की गार्ड्स मोनाक पर अटैक कर देते हैं, लेकिन मोनाक एक ही झटके में उन गार्ड्स को मार डालता है। तभी वो एम्बेसडर मोनाक से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जो काम हाथ में लेते हो वो पूरा करते हो, तुम जिस गोस्ट राइडर के बारे में आप जानते हो वो वैसा नहीं है, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये काम दिया है। पिछले हफ्ते राइडर ने कैसिनो में हमला किया और वहां पर किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। जिस पर मोना कहता है कि मैंने पहले भी कहा था इंपीरियल गार्ड्स को भेजो। जिस पर एम्बेसडर कहती है कि मैं वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऐसे करने नहीं देंगे, लेकिन तुम ये काम कर सकते हो। ये सुनते ही मोना एम्बेसडर से पूछता है कि मुझे कितना मिलेगा और पिछले बाउंटी हंटर को कितना मिला था। जिस पर एम्बेसडर कहती है कि कॉस्मिक गोस्ट राइडर पर 1 लाख की बाउंटी लगी थी। जिस पर फैल्कन कहता है कि इस काम के लिए 2 लाख लगेंगे। ये सुनकर एम्बेसडर मना करती है लेकिन फिर तैयार हो जाती है। या फ्रैंक कैसल क्राइल डेविड नाम के बाउंटी हंटर पर अपनी गन पॉइंट करता है। तभी क्राइल डेविड फ्रैंक कैसल से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मारोगे। जिस पर एक्सेल क्राइल डेविड से कहती है कि हाँ मैं भी जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें मार सकती हूँ। ये कहते ही एक्सेल टूटी हुई कांच की बोतल क्राइल डेविड के आंख में घुसाती है और फिर उसी बोतल से उसे मार डालती है। लेकिन तभी फ्रैंक एक्सेल को रोकता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, लेकिन एक्सेल फ्रैंक से कहती है कि मुझसे दूर हटो। ये कहते ही एक्सेल अपने डैड को देखने जाती है जिसकी मौत हो चुकी थी। तभी फ्रैंक एक्सेल से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ और भी लोग आने वाले हैं।
तभी फ्रैंक एक्सल को अपने साथ अपने हाइडआउट पर ले जाता है, जहाँ पर आते ही फ्रैंक एक्सल से कहता है कि हमें इस प्लैनेट से बाहर निकलना होगा और कहीं जाके सेफ हाउस ढूंढना होगा। ये कहते ही फ्रैंक अपनी कॉस्मिक बाइक निकालता है जो वहाँ पर बहुत समय से थी, क्योंकि फ्रैंक ने रिटायरमेंट लिया था। तभी फ्रैंक एक्सल से कहता है कि वे लोग तुम्हारे पीछे नहीं है, बल्कि वे लोग मेरे पीछे है, और अगर मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। ये कहते ही फ्रैंक पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक्सल वहाँ थी ही नहीं। लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक्सल आती है और फ्रैंक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है और पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर फ्रैंक एक्सल से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर एक्सल फ्रैंक से कहती है कि मेरे सवाल का जवाब दो। जिस पर फ्रैंक एक्सल से कहता है कि मैं फ्रैंक हूँ और तुम ये बात जानती हो। जिस पर एक्सल फ्रैंक से कहती है कि अगर तुम फ्रैंक हो तो ये रब तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? जिस पर फ्रैंक कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन तभी एक्सल कहती है कि मेरे फादर मर चुके हैं। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ, मैं कॉस्मिक गोस्ट राइडर हूँ, पर मुझे ये नहीं पता है कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। जिस पर एक्सल फ्रैंक से पूछती है कि कॉस्मिक गोस्ट राइडर वो भी रिटायर हो चुका है? जिस पर फ्रैंक एक्सल से कहता है कि हाँ, मैं कॉस्मिक गोस्ट राइडर से रिटायर हो चुका हूँ, ताकि मैं शांत भरी जिंदगी जी सकूँ। लेकिन तभी वहाँ मोनाक आ जाता है और अगले ही पल वह फ्रैंक पे बुलेट फायर कर देता है। लेकिन एक्सल फ्रैंक को बचा लेती है और वे दोनों कॉस्मिक बाइक के पीछे छुप जाते हैं। तभी एक्सल फ्रैंक से पूछती है कि अब ये नमूना कौन है? जिस पर फ्रैंक एक्सल से कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तभी एक्सल फ्रैंक से कहती है कि तुम कॉस्मिक गोस्ट राइडर हो ना, तो प्रूव कर दो। जिस पर फ्रैंक एक्सल से कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैं रिटायर हो चुका हूँ। जिस पर एक्सल फ्रैंक से कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कॉस्मिक गोस्ट राइडर बन जाओ, नहीं तो मर जाओ। ये कहते ही एक्सल मोनाक पर अटैक करने जाती है, लेकिन तभी पीछे से मोनाक का फैल्कन आ जाता है और एक्सल को उठाकर फेंक देता है। ये देखकर फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो अपने अंदर के कॉस्मिक गोस्ट राइडर को बाहर लाने लगता है। यहाँ मोनाक एक्सल को मारने वाला ही था कि तभी फ्रैंक कॉस्मिक गोस्ट राइडर बनके मोनाक का हाथ अपने चेन से बांध देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक दीवार पे कॉस्मिक गोस्ट राइडर का फोटो देखते हैं, जिसके नीचे लिखा था कि कॉस्मिक गोस्ट राइडर को जो भी जिंदा पकड़ के लाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी दीवार पर किसी का खून लग जाता है और तब हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर सबको मारते जा रहा था। अब हम सोचे होंगे कि कॉस्मिक गोस्ट राइडर वहाँ मोनाक के साथ था, तो अब यहाँ कैसे? तो वेल, वो वही है, लेकिन यहाँ जो है वो एक और कॉस्मिक गोस्ट राइडर है। अब ये कॉस्मिक गोस्ट राइडर कौन है ये आगे पता चल जाएगा। तभी कॉस्मिक गोस्ट राइडर उन सबको मारकर वहाँ बैठे हुए एक अंधे आदमी के पास आता है। तभी वो ब्लाइंड मैन कॉस्मिक गोस्ट राइडर से कहता है कि ये बाउंटी हंटर नहीं थे। जिस पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर कहता है कि जब सबको मैं जिंदा या मरा हुआ चाहता हूँ, तब मेरे लिए सब बाउंटी हंटर्स है। तभी वो ब्लाइंड मैन कॉस्मिक गोस्ट राइडर से कहता है कि तुम वांटेड हो चुके हो और मैं जानता हूँ कि तुम ही कॉस्मिक गोस्ट राइडर हो। जिस पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर उस ब्लाइंड मैन से कहता है कि तुम ओमियन हो ना? जिस पर ओमियन हाँ कहता है। तभी आगे ओमियन कहता है कि तुम्हें मर्डर्स के लिए सजा मिलनी चाहिए। जिस पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर ओमियन से कहता है कि क्या तुम मुझे सजा दोगे? जिस पर ओमियन कॉस्मिक गोस्ट राइडर से कहता है कि मैं प्रिस्ट हूँ, न्यायाधीश नहीं। तभी कॉस्मिक गोस्ट राइडर वहां से उठकर जाने लगता है और ओमियन से पूछता है कि क्या तुम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो? जिस पर ओमियन कहता है कि ये भी कोई सवाल है? जिस पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर ओमियन से कहता है कि क्या तुम इस बात पे यकीन करते हो कि हमारी पास्ट लाइफ हमारे फ्यूचर को बनाती है? जिस पर ओमियन कहता है कि क्या तुम्हें कोई सपने आ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो सपने हमारे प्रेजेंट से जुड़े हुए होते हैं, और जब हमारे अंदर कोई डर होता है तो वो सपनों के जरिए बाहर आता है। ये सुनते ही कॉस्मिक गोस्ट राइडर ओमियन का गला पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे किसी से डर लगता है? जिस पर ओमियन कॉस्मिक गोस्ट राइडर से कहता है कि तुमने वादा किया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। ये सुनते ही कॉस्मिक गोस्ट राइडर ओमियन को उठाकर फेंक देता है और ओमियन से कहता है कि मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें गन से नहीं मारूंगा, लेकिन स्पाइक से मार सकता हूँ। ये कहते ही कॉस्मिक गोस्ट राइडर अपने स्पाइक निकालता है और ओमियन को मारने वाला ही था कि तभी वहाँ वैल्करी आ जाती है और कहती है कि मैं जिस फ्रैंक को जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं था। तभी वैल्करी को देखकर कॉस्मिक गोस्ट राइडर हैरान रह जाता है। तभी वैल्करी कॉस्मिक गोस्ट राइडर पे अटैक करती है और कहती है कि वैलेला तुम्हें इस बार नहीं लेगा। जिस पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर वैल्करी से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी वैल्करी अपने मेज से कॉस्मिक गोस्ट राइडर पे अटैक करती है और कहती है
तुमने पीछे बहुत सारी लाशें छोड़ी है और इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये कहते हैं वैल्करी कॉस्मिक कोस्टर को लात मार के पीछे फेंकती है। तो वही ओमनियन को ऐसा सेंस होता है कि उसके सामने कुछ गिरा है। तो वही कॉस्मिक गोस्ट राइडर को गुस्सा आता है और वो फिर से वैल्करी पर अटैक कर देता है। तभी कॉस्मिक गोस्ट राइडर अपनी चेन से वैल्करी पर अटैक करता है, लेकिन वैल्करी उन चेन्स को डॉच करती है। तब ये देखकर कॉस्मिक गोस्ट राइडर को गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से उसके फ्लेम्स खत्म होते जा रहे थे। ये देखकर कॉस्मिक गोस्ट राइडर हैरान रह जाता है और तब उसके फ्लेम्स पूरी तरह बुझ जाते हैं। और ये देखकर कॉस्मिक गोस्ट राइडर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर वैल्करी अपने मेज से कॉस्मिक गोस्ट राइडर को मारती है। यहाँ दूसरी तरफ फ्रैंक फिर से बन गया था और तब मोनक फ्रैंक के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है ये सब आसानी से खत्म हो सकता था। तभी फ्रैंक मोनक से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर मोनक कहता है कि मैं हूँ मोनक स्टार स्टॉकर और मैं बाउंटी हंटर हूँ जिसने कॉस्मिक गोस्ट राइडर को अपने घुटनों पर लाया। ये कहते ही मोनक हैंडकफ्स निकालता है। तभी फ्रैंक मोनक का नाम सुन के हंसने लगता है, लेकिन तभी मोनक अपने हैंडकफ्स खोलता है और फ्रैंक के हाथों पर लगाने वाला ही था कि तभी एक्सेल पीछे से आती है और मोनक को धक्का मारती है। तभी एक्सेल मोनक का गला पकड़ कर रखती है और कहती है कि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया। ये कहते ही एक्सेल मोनक का कान काट लेती है। यहाँ फ्रैंक फिर से कॉस्मिक गोस्ट राइडर बनने लगा था, लेकिन उससे ये होने रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथों से फ्लेम्स निकलने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो बुझ जाती है। ये देखकर फ्रैंक हैरान रह जाता है। यहाँ मोनक एक्सेल को उठाकर दूर फेंकता है और कहता है कि मुझे कॉस्मिक गोस्ट राइडर को मारने का ऑफर मिला था, लेकिन तुम तो फ्री में मारी जाओगी। ये कहते ही मोनक एक्सेल को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी फ्रैंक अपनी गन से मोनक पर फायरिंग कर देता है और उसे दूर फेंकता है और एक्सेल से कहता है कि जल्दी मेरे साथ चलो। यहाँ दूसरी तरफ कॉस्मिक गोस्ट राइडर अब भी फिगर आउट कर रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन तभी वैल्करी अटैक करते हुए कॉस्मिक गोस्ट राइडर से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, कहीं तुम किसी के वश में हो, जिस पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर कहता है कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आजाद हूँ। लेकिन तभी वैल्करी कॉस्मिक गोस्ट राइडर पर अटैक करती है। तभी कॉस्मिक गोस्ट राइडर वैल्करी पर अटैक करता है। तभी यह देखकर वैल्करी कॉस्मिक गोस्ट राइडर से कहती है कि तुम फ्रैंक नहीं हो, लेकिन तभी ओमनियन वो गन उठा लेता है और कॉस्मिक गोस्ट राइडर से कहता है रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें शूट करूंगा। लेकिन कॉस्मिक गोस्ट राइडर ओमनियन से कहता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है और अब मैं तुम्हें मार के रहूंगा। ये कहते ही कॉस्मिक गोस्ट राइडर ओमनियन पे अटैक करने जाता है, लेकिन ओमनियन कॉस्मिक गोस्ट राइडर पे फायरिंग कर देता है। तभी कॉस्मिक गोस्ट राइडर देखता है कि ओमनियन की फायर की हुई ब्लेड्स उसे लग चुकी थी और वो नीचे बैठ जाता है। तभी वैल्करी कॉस्मिक गोस्ट राइडर से कहती है कि अब समय हो चुका है ये लड़ाई को रोकने का, तुम्हारा फेथ और डेथ मैं देख सकती हूँ जो तुम्हारे पास आ चुका है, और अगर तुम मेरे साथ आओगे तो मैं ये तोड़ निकालूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जिस पर कॉस्मिक गोस्ट राइडर कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये कहते ही कॉस्मिक गोस्ट राइडर एक टेबल के पीछे छुप जाता है और वहां के डोर को खोल देता है, जिसके कारण वैल्करी और ओमनियन बाहर खींचे जाने लगते हैं। लेकिन वैल्करी प्रेस्ट को पकड़कर वापस अंदर लाती है और अपनी नाइफ फेंक कर वो डोर बंद कर देती है। यहाँ फ्रैंक एक्सेल के साथ अपनी कॉस्मिक बाइक पर बैठकर चला जाता है। तो वही मोनक अपने फैल्कन से कहता है कि पता करो ये फ्रैंक कहाँ जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राइडर के साथ कुछ हो रहा है। ये कहते ही वो फैल्कन राइडर का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वो फैल्कन मोनक से कहता है कि फ्रैंक बड़ी मुश्किल से अपनी पावर्स चला रहा था, यानी कि अब उसकी बाइक भी बिना पावर से ज्यादा दूर नहीं चल सकती है, यानी कि वो किसी न किसी गैस स्टेशन पर रुकेगा। यहाँ फ्रैंक देखता है कि उसके बाइक का फ्यूल खत्म हो चुका था। तभी एक्सेल फ्रैंक से पूछती है कि हम धीमे क्यों हो गए, जिस पर फ्रैंक एक्सेल से कहता है कि बाइक का फ्यूल खत्म हो रहा है इसलिए हमें कहीं पर रुकना होगा ताकि मैं इस बाइक में फ्यूल भर सकूं, जिस पर एक्सेल कहती है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन तब तक फ्रैंक उस फ्यूल स्टेशन पर आ चुका था। ये फ्यूल स्टेशन वही पर है जहाँ पर दूसरा कॉस्मिक गोस्ट राइडर वैल्करी से लड़ रहा था। तभी फ्रैंक और एक्सेल अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई था ही नहीं। ये देखकर फ्रैंक वहाँ पर बुलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वैल्करी आ जाती है और फ्रैंक पे अटैक करती है। तभी वैल्करी फ्रैंक को गलती से कॉस्मिक गोस्ट राइडर समझ लेती है और उसपे अटैक कर देती है। तभी फ्रैंक वैल्करी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वैल्करी फ्रैंक से कहती है कि अब शरीफ मत बनो तुम्हें तो अब मरना होगा। लेकिन तभी बीच में ओमनियन आ जाता है और वैल्करी को रोकता है और कहता है रुक जाओ
ये वो राइडर नहीं है जो तुम समझ रही हो। जिस पर वैल्करी ओमनियन से कहती है कि कैसे हो सकता है। जिस पर ओमनियन वैल्करी से कहता है कि अपने आंखें खोलो। ये सुनते ही वैल्करी अपनी मैजिक से देखने लगती है और तब वो समझ जाती है कि ये वो कॉस्मिक गोस्ट राइडर नहीं है। तभी फ्रैंक कहता है कि दो कॉस्मिक गोस्ट राइडर ये कैसे हो सकता है। जिस पर वैल्करी फ्रैंक से कहती है कि ऐसा हो सकता है कि ये दूसरा कॉस्मिक गोस्ट राइडर तुम्हारा क्लोन हो। जिस पर ओमनियन वैल्करी से कहता है नहीं, ये कोई क्लोन नहीं है, मुझे लगता है कि ये फ्रैंक का कोई हिस्सा है, क्योंकि जब वो मुझे मारने वाला था तब वो पुनर्जन्म की बात कर रहा था। जिस पर फ्रैंक ओमनियन से पूछता है कि वो आखिर पुनर्जन्म की बात क्यों कर रहा था। जिस पर ओमनियन फ्रैंक से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि वो जानना चाहता था कि हमारी पिछली लाइफ हमारे प्रेजेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। तभी आगे ओमनियन फ्रैंक से कहता है कि मुझे लगा कि ये तुम्हारे सपनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ये कह रहा था कि उसे खुद का अलग रूप नजर आ रहा है। जिस पर फ्रैंक कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। पहले मुझे लगा कि यह सब मेरा सपना है, लेकिन अब पता चल गया है कि यह सब सच है। मैंने खुद को राइडर बन के लोगों को मारते हुए देखा है और मैं रुक नहीं रहा था। जिस पर वैल्करी फ्रैंक से कहती है कि कभी कभी जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता है। ये कहते ही वैल्करी अपनी पावर से सच जानने लगती है। तभी वैल्करी कहती है कि मैं वो देख सकती हूँ जो मौत के परे है, और अब मैं तुम सबके ऊपर ऑप्स देख सकती हूँ। जब वो दूसरा राइडर प्रिस्ट को मारने वाला था तब ये ऑप ग्लो होने लगा था, लेकिन अब शांत हो चुका है क्योंकि ये प्रिस्ट तुम्हारे साथ सेफ है। मैं ऐसे ही ग्लो होते हुए ऑप्स को ट्रैक करते हुए दूसरे कॉस्मिक गोस्ट राइडर तक पहुंची, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम सबसे बड़े खतरे में हो। लेकिन तभी फ्रैंक को कुछ होने लगता है और तब फ्रैंक नीचे गिर जाता है, तो वही दूसरी तरफ कॉस्मिक गोस्ट राइडर भी गिर जाता है। और अब दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन तभी फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।